आप सभी को जोहार रहेगा, जो कि अभी पढ़ा सरकार जगरे उराम जी से मिले हैं, जो कि काफ़ी जोरदार तरीका से भारत आदिवासी पार्टी से शिल्पी नेहा तिर्की जी को काफ़ी जोरदार टक्कर देने वाले हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से। आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को और हमारे मांडर विधानसभा के जनता एवं मेरे पाढ़ा वासियों को हम तहे दिल से जोहार, जय पाढ़ा। तब दादा क्या किस मुद्दा पे आप लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार? पूरा एक एक जनता जानती है कि हम किस मुद्दा से 2024 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। मुद्दा मेरा यही है, जो कि मेरा ग्राम सभा, मेरा पाढ़ा व्यवस्था, मेरा पूर्वजों के द्वारा जो मुझे गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ मेरा धरोहर को बचाने के लिए मेरा पहला मुद्दा यही है। अभी तक जितने भी हमारे 20 से नेता बने हैं हमारे वोटों से, हमारे जनता के वोटों से, उन्होंने कभी आज से पहले कोई भी किसी भी तरह से हमारा आदिवासी समाज को बचाने का काम नहीं किए हैं। हमारा पूर्वजों का जो धरोहर है उसको बचाने का काम नहीं किए हैं, और हमारे जो रूढ़ी प्रथा, पारंपरिक व्यवस्था जो है, पाढ़ा व्यवस्था, उसको बचाने का काम नहीं किए हैं। उन लोगों ने अपना राजनीति करने के लिए तरह तरह का पार्टियां को चुने हैं और हमारा व्यवस्था को ध्वस्त किए हैं। इसलिए आज हम 3 साल से कंटिन्यू मानर विधानसभा क्षेत्र पूरे झारखंड में रूढ़ी प्रथा, परंपरागत हमारा पारंपरिक व्यवस्था पाढ़ा, जो कि मेरा पूर्वजों का शासन व्यवस्था था, उसे कायम रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने आज तक काम करते आए हैं, और उसी के माध्यम से आज हम एक अच्छा प्रयास से हम अपने जनता को, एक एक व्यक्ति को समझा पा रहे हैं, और आज अपना हक और अधिकारों को हमारा जनता किसी के पास भी बेहिचक रख पा रही है, इससे हमको बहुत बड़ा खुशी मिलता है। दादा बंधु तिर्की को 2019 में आप समर्थन भी दे चुके थे, लेकिन क्यों अलग हो गए हैं? ऐसा है, कभी कभी सोए हुए में सपना देखा जाता है, कभी कभी जागे हुए में भी सपना देखा जाता है। वही हम लोग सपना जो देखे थे उसमें सहकार करवा पाएंगे या कर पाएंगे बंधु तिर्की, ऐसा हम लोगों को लगा था, इसलिए हम लोग उनका साथ दिए थे 2019 में। लेकिन उन्होंने आज तक आदिवासी समाज, खास करके सरना समाज के लिए कुछ नहीं किया है, क्योंकि आज तक कहीं भी अखरा का सुंदरीकरण हो या सरना का सुंदरीकरण हो या बोनरीवाल हो, कोई भी ठेकेदार मेरा आदिवासी समाज को नहीं मिला। मतलब इससे स्पष्ट पता चलता है कि आदिवासी सरना समाज को बंधु तिर्की कभी आगे उठने नहीं देना चाहता है। और इतना भी हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि उनको एक छोटा सा हम लोग काम दिए थे, जो मेरा पूर्वजों के द्वारा एक धर्म स्थल हमारे लिए चुना गया है, जिसको हम लोग हरगड़ी बोलते हैं, कुंडी बोलते हैं, उस जगह को छोटा सा सुंदरीकरण करने की बात थी, उसको भी नहीं कर पाए, तभी हम उनसे खपा हो पाए गए। और उनका एक एक चीज़ को हमने समझा, वो सिर्फ उनका सोच यही है कि जो लोग मांगता है उसे मत दो, ताकि हमेशा तुम्हारा याद कर पाए, तुम्हारा गुलाम बन पाए। अगर तुम, कोई व्यक्ति मांग रहा है वो चीज़ अगर पूरा कर दोगे तो वो तुम्हें भूल जाएगा, ऐसा बंधु तिर्की का सोच है। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है, हम जनता को बताना चाहते हैं कि अगर हम एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, अच्छा ड्राइवर बनना चाहते हैं, अच्छा सामाजिक कर एक अगुआ बनना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों को हम भूल करके हमारा जनता का जो मांग रहेगा उसको हम आखिरी सांस तक उसका पूरा करने का हम सोचेंगे, ऐसा हमको लगता है। और ऐसा ही हम विचारधारा को अपना मजबूत किए और हम अपना अभी मानर विधानसभा से चुनाव लड़ने का तैयारी
कर रहे हैं। इसमें सबों को आज पता है कि पढ़ा सरकार जगरे उड़ाओ पूरे मानव विधानसभा में एक एक घर, एक एक गांव, एक एक अखड़ा जा करके अपना हक और अधिकार, संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार सभी को आज बताने का काम कर रहे हैं। और इतना तक हमको महसूस हो रहा है कि हम बहुत हद तक समझा पा रहे हैं, क्योंकि आज एक एक व्यक्ति खुद का एक डिसीजन लेने के लायक एक एक व्यक्ति आज दिख रहा है, इससे हमको बहुत बड़ा खुशी मिलता है। दादा, राजकुमार राउत जो कि झारखंड में आए हैं, काफ़ी ज़ोरों शोरों से स्वागत किया जा रहा है और सरना कोर्ट का डिमांड उससे बार बार किया जा रहा है, क्या लगता है इस बार आप लोग दावेदारी के साथ विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे और सरना कोर्ट का मुद्दा उठाएंगे? एकदम उठाएंगे। यदि मेरा समाज को, अगर आदिवासी समाज किसी के बगैर अधूरा महसूस करता है, तो हम आदिवासी समाज को उसे दिलाने के लिए, जब मेरा जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जब मेरा धरोहर को बचाने के लिए मेरा पूर्वजों ने अपना यहूदी दान किया है, तो हम भी ऐसा महसूस होता है हमें भी, अगर हम विधानसभा जाएंगे तो जिस दिन जाएंगे पहला दिन ही विधानसभा हिलेगा, क्योंकि हम रूढ़ी पर था ग्राम सभा और हमारा पूर्वजों का शासन व्यवस्था, जिसे स्वशासन व्यवस्था आदिवासियों का बोला जाता है, पाढ़ा व्यवस्था, उसके साथ चलने के लिए हम आए हैं और उन्हीं के साथ सहयोग से आज हम इतना आगे बढ़ पाए हैं। आज समाज में मुझे बहुत इज्जत मिलता है, समाज में हम जाते हैं तो सारा बीमारी दूर हो जाता है, समाज में जाते हैं तो कभी भी हम महसूस भी नहीं करते हैं कि हमें भूख लग रहा है, तो इससे हमको पता चलता है कि हम समाज को कुछ दे पा रहे हैं और समाज मुझे स्वीकार कर रही है और मेरा चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर पा रहा है, ऐसा हमको महसूस होता है और इसी के माध्यम से हमें थकान कभी नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप मांडर के जनता को क्या कहना चाहिएगा, आपके विधानसभा के क्षेत्र के जो देख रहे हैं? मैं मांडर विधानसभा के जनता को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने, हम लोगों ने सभी को मौका दिया, यही सोचकर कि ये भी आदिवासी है, ये भी आदिवासी है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदिवासियत की बात करता है और जो आदिवासी को रौंदने और काटने में लगे हुए हैं, जैसे भाजपा जैसा, कांग्रेस जैसा, और उस पार्टी से अगर हम लोग राजनीति करते हैं तो हम कभी आदिवासी समाज को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए हमारा विचारधारा, जो ग्राम सभा पढ़ा का विचारधारा, ये भारत आदिवासी पार्टी में एक दिखा, इसलिए हम लोग आज भारत आदिवासी पार्टी को एक्सेप्ट किए, क्योंकि हमारा ही मुद्दा, हमारा ही विचारधारा, हमारा ही ग्राम सभा, हमारा ही पारंपरिक व्यवस्था की बात करती है। और आज से पहले कभी भी हमारा यहाँ का कोई भी भारत का प्रधानमंत्री हो, वो कभी ये नहीं बोले कि हम आदिवासी भारत देश में हैं, सभी ने हम लोगों को वनवासी, कोई कभी कोई क्या, कभी कोई क्या बोले, लेकिन आज चुनाव आयोग के द्वारा प्रूव कर दिया है कि भारत में आदिवासी है, क्योंकि पहला ऐसा पार्टी है जो भारत आदिवासी पार्टी एक नाम मिला है, इससे हमको गर्व महसूस होता है कि पहली बार अब हमको लगेगा कि इस बार अगर भारत आदिवासी पार्टी से हम प्रत्याशी चुने जाते हैं और अगर हम जीत कर विधानसभा जाते हैं तो सबों को गर्व होगा कि पहली बार आदिवासी जीता है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी भी आदिवासी और जगरे उड़ाओ भी आदिवासी। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे हम जनता से कि हम लोग इतना दिन पहले सबों को वोट देते आए, 1952 से वोट चुनाव का प्रक्रिया जब से आया तब से वोट करते करते हमारा पूर्वजों ने आ रहे हैं, हमारा बाप दादा सभी ने किए, लेकिन कभी ये सुनने को नहीं मिला कि आज आदिवासी जीता। हमेशा यही हुआ है कि अगर भाजपा जीतता है तो हिंदू भाई बम फोड़ते हैं, अगर कांग्रेस जीतता है तो मुस्लिम भाई बम फोड़ते हैं, तो हम आदिवासी कब बम फोड़ेंगे, कब मेरा राज आएगा, ये हमारा मानव विधानसभा का जनता को सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और एक एक व्यक्ति को जागरूक होने की जरूरत है। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे जगरे दादा को, जो कि रूढ़ी प्रथा के प्रति काफ़ी जागरूक किए और पढ़ा सरकार एक नाम दिए। पढ़ा सरकार जैसे कि विलुप्त के कगार में थे, लेकिन
खुखरा परगना से एकदम इतिहास रचने का कार्य किए और आज विधानसभा जैसे क्षेत्र में अपना प्रवेश रख रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया रहेगा उसके लिए। जोहार। आप सबों को भी फिर से पुनः एक बार मेरा झारखंड वासियों, पढ़ा वासियों और मानव विधानसभा के जनता और आपका जितना भी सब्सक्राइबर यूट्यूबर के साथ आपके साथ जितना भी जुड़े हैं फॉलोअर्स सभी से को जोहार। और मैं कहना चाहूँगा कि आपका यूट्यूबर जो चैनल है उनको सभी जनता ने सब्सक्राइब और फॉलोअर करेगी और लाइक शेयर भी करेगी। हम जनता से ये आशा रखते हैं। जोहार।